हेलो। तो आज हम बात करेंगे चेरी कॉफ वाले सिरप के बारे में, जो कि सिरप को बलगम वाली खांसी के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये चेरी कॉफ एलएस सिरप जो कि सन फार्मा कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 107 रुपये है, जो कि 100 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं लिबो सालबोटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइफेंसिन। और देखते हैं लिबो सालबोटामोल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, गुआइफेंसिन 50 mg। दोस्तों इस सिरप को कई समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस सिरप को। नंबर 1, खांसी हो तो खांसी में यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। नंबर 2, सीने में जकड़न हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, बलगम हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4, खांसी के साथ साथ अगर आपको सांस फूलता हो, क्या दोस्तों अगर किसी को खांसी के साथ साथ सांस फूलता हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5, कॉमन कोल्ड हो, जैसे कि सर्दी जुकाम हो, नाक से पानी बहना। नंबर 6, एलर्जी वाली खांसी हो। नंबर 7, गले में खराश हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस सिरप को, 100% रिजल्ट दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस सिरप को। एडल्ट बड़े को 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। कैसे लें दोस्तों? 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और आपको कुछ खुराक में आराम मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये सिरप आप यूज करें तो बातें ध्यान रखें। नंबर 1, लीवर पेशेंट यूज ना करें सिरप को। नंबर 2, प्रेग्नेंट लेडी भी यूज ना करें। नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें सिरप के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप को कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अगर बार दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि ड्राई माउथ, पेट में दर्द, स्किन एलर्जी, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस सिरप को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारी वीडियो चेरी कॉफ एलएस सिरप के बारे में। और दोस्तों इस तरह सिरप में और भी कई कंपनी के सिरप अवेलेबल है, जैसे कि एस्कोरिल एलएस सिरप, रेस्पी केयर एलएस सिरप, एस्कोडेक्स एलएस सिरप, कफरील एलएस सिरप। तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।